हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको आप सभी को जानते होंगे कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं TGT और PGT को लेके, और PRT की भी कुछ वैकेंसीज आई हैं। ये सारे ऐसे न्यूज इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कैसे प्रोसेस है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है ये 7 तारीख का ही आया हुआ है, 7/11/2024। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर्स। जो यूनिवर्सिटी के स्कूल टीचर्स हैं, चाहे अब्रॉड हों चाहे यहाँ के हों, उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या एक वैकेंसीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 7/12/2024। तो 7/12/2024 मतलब 7 दिसंबर को आपका लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। और बात करूं तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन, तो आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करानी है, और आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, फिल करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है, और 17 दिसंबर तक कहाँ पहुँच जाना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक, 5 बजे के पहले। तो 7 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और वहीं 17 दिसंबर तक आपका क्या, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकलवा के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका पहुँच जाना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आगे चलते हैं। द हार्ड कॉपीज विल नॉट बी रिसीव आफ्टर 5, मतलब 17/12 के बाद नहीं रिसीव की जाएगी, ठीक है। बाकी देयरफॉर एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट बोथ ऑनलाइन सॉरी वो टच थोड़ा सा बैक हो गया, ठीक है, उसको तो इग्नोर करिएगा। तो बात करें तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पहली वैकेंसी बात कर लेते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो टोटल आई होप सो कि आपकी जो वैकेंसीज हैं PGT बायोलॉजी में है, कितनी, एक पोस्ट है PGT बायोलॉजी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में है एक पोस्ट, और PGT बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में है 3 पोस्ट PGT, और PGT कॉमर्स की सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में एक पोस्ट है, और PGT कॉमर्स की सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में एक पोस्ट है। वही बात करें PGT मैथमेटिक्स की, जो बॉयज की स्कूल है उसमें एक है, और जो गर्ल्स का है मतलब बॉयज की दोनों स्कूल है उसमें एक एक वैकेंसी है, फिजिक्स की एक, मैथमेटिक्स की, और PGT फिजिक्स की जो गर्ल्स है STS स्कूल है वहां पे एक वैकेंसी है, ठीक है। सॉरी बार बार टच होके बैक हो जा रहा है, तो उसको बाय द वे मत लीजिएगा। तो टोटल 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9 वैकेंसीज हैं, ठीक है, PGT की, जो कि वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों हैं उसमें। बात करते हैं पे लेवल की, PGT का पे लेवल क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग पे लेवल जो है 8वां पे वेतन आयोग लगेगा इसमें, और पे रेंज आपका 47,600 से 1,51,100 रुपये होने वाला रहने वाला है। उसके बाद अलाउंसेस आपको मिलेंगी। एज लिमिट 40 साल है, ठीक है। नो एज बार इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ MU स्कूल्स, आप अगर MU के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं तो आपको कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc होना चाहिए, ठीक है। NCERT के जो सब्जेक्ट होते हैं कॉलेज के वो आपके होने चाहिए, ठीक है। अब आगे की, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मास्टर डिग्री हो 50% के साथ, ठीक। अब PGT बायोलॉजी के लिए आप बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, आपका ये होना चाहिए, ठीक। PGT आप मतलब क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में क्या जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा ही पढ़ा हो। PGT कॉमर्स की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका कॉमर्स में, और MCOM या MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, जिन्होंने इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है, आपका BEd होना चाहिए, ठीक है,
बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी ओनली फॉर पोस्ट ऑफ अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज, तो स्पेशल बीएड वाले वो जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए ही एलिजिबल हैं। नोट, अ परमानेंट टीचर वर्किंग इन एनी एमयू मैनेज स्कूल नॉट हैविंग बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर द प्रीरिक्विजिट मे बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट। मतलब अगर आप परमानेंट एमयू के एम्प्लॉय हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तो, और आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो भी आप कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। ये तो भाई पक्षपात वाली बात हो गई। सच एज कैंडिडेट सेलेक्टेड हैव टू कंप्लीट बीएड डिग्री विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेलेक्टेड, मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके 4 साल बाद आपके पास बीएड करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद डिजायरेबल है कंप्यूटर का नॉलेज, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश हिंदी उर्दू मीडियम, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हो गया भाई आपका। अब बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी में फाइन आर्ट्स की वैकेंसी है। किसकी? फाइन आर्ट्स की है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पोस्ट है, ठीक है। वही 47,600 से 1,51,100 रुपये प्लस अलाउंसेस रहेंगे। 40 ईयर्स रहेगी एज लिमिट। बाकी जो एएमयू के हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका 2 ईयर्स पीजी होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, या तो आपके पास एमए फाइन आर्ट से होना चाहिए, ठीक। एमएफए फ्रॉम जो कोरोना यूनिवर्सिटी 50% के साथ आपका एमए फाइन आर्ट्स में होना चाहिए। आपने बीएड की हो या इसके साथ समकक्ष कोई, और बीएड स्पेशल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो अहमदी स्कूल विजुअली चैलेंज के लिए हैं, ठीक है। नोट, अ परमानेंट टीचर, अगर आप वही भाई अगर आपने परमानेंट टीचर हैं एएमयू के तो आपको बीएड डिग्री नहीं चाहिए। आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद आपको 4 साल मौका मिलेगा बीएड करने का, ठीक। वही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टीचिंग हिंदी इंग्लिश उर्दू मीडियम आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टीजीटी के कुछ और सब्जेक्ट्स हैं। टीजीटी हिंदी की एमयू एबी के हाई स्कूल गर्ल्स एक पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स एसटीएस में एक पोस्ट है। टीजीटी साइंस की एक पोस्ट है। टीजीटी साइंस आर एम पी एस एमयू सिटी स्कूल एक पोस्ट है। टीजीटी उर्दू में एक पोस्ट, ठीक भाई। वही 44,900 1,42,100 रुपये आपका क्या होने वाला है, आपका 1,42,400 रुपये आपका सैलरी प्लस अलाउंसेस होने वाला है। एज लिमिट 35 साल है। एएमयू के हैं तो आपको कोई एज लिमिट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए, या तो आपने बैचलर डिग्री की हो 50% के साथ किसी कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता जा रहा है। टीजीटी हिंदी में हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, ठीक। आपका हिंदी 3 साल होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स ग्रेजुएशन मैथ में होना चाहिए, और कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो कंप्यूटर साइंस हो स्टैटिक्स हो या जियोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन किया हो आपने मैथ से और आपका कोई भी सब्जेक्ट इसमें से ये होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी साइंस की बात कर लेते हैं। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, फिजिक्स बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, कोई 2 होना चाहिए। उर्दू के लिए वही उर्दू ऐसे सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हो। बीएड होना चाहिए भाई, या स्पेशल बीएड वाले बता दिया वो सारी चीजें। फिर देखिए क्वालिफाइड इन द सीटेट, टीजीटी वालों के लिए सीटेट आपका होना चाहिए, ठीक है। यूपीटेट होना चाहिए, रिलैक्सेशन ऑफ 2 ईयर्स, ये सारी चीजें बात छोड़िए, ठीक। चलिए वही कंप्यूटर का नॉलेज वो है। अब प्राइमरी टीचर्स की बात कर लेते हैं। क्या प्राइमरी टीचर्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर में एमयू गर्ल्स स्कूल में 2 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर गर्ल्स वाले में 2 वैकेंसीज हैं, लगभग 6 वैकेंसीज प्राइमरी की हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाकी वही 35,400 से 1,12,400 प्लस अलाउंसेस सैलरी रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी या आपके पास 50% के साथ होना चाहिए डीएलएड, और वही बात करें या तो सीनियर सेकेंडरी आपने किया हो एटलीस्ट 50% के साथ या आपने डीएलएड किया हो, ठीक। ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो उसके साथ आप बीए मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो, ठीक है। सीटेट पास होना चाहिए आपका पेपर 1, सीटेट या यूपीटेट, ठीक। अब आगे चलते हैं। प्राइमरी टीचर आर्ट्स के लिए भी है भाई, एक एक पोस्ट है, वही सेम चीजें रहने वाली हैं इसमें भी। आपने एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ, एक आर्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए 50% के साथ, या आपने बीएड किया हो, या 5 ईयर का आपने रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट में किया हो, और रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट, या तो आपने बीए फाइन आर्ट्स में किया हो, और मिनिमम 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास फाइन आर्ट्स में होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटीस आर्ट्स इन द एमयू एबीके हाई स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स 86 इन रेस्पेक्ट टू द एडवर्टीजमेंट नीड नॉट अप्लाई अगेन फॉर द पोस्ट मेंशन। तो भाई वही आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपने क्या आपने ऑलरेडी फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया है तो आप पीआरटी वाले टीचर में नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक।
ये प्राइमरी टीचर के लिए ही है भाई। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, आपको क्या मिलेगा, एक एज लिमिट मिलेगी, ठीक है, रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर पर्सन हु हैड ऑलरेडी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये सारी चीज़ें छोड़िए, उतना जरूरी नहीं है, ठीक। रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मेडिकल स्कूल विल बी गिवन एज पर MOU रूल्स, ठीक। अब चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। अप्लीकेशन फॉर्म को आपको careers.amu.online.ac.in पे जाना है और वहाँ पे भर देना है, ठीक है। इस पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भरना है। और प्रोसेसिंग फी 500, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 500 रुपये है, ठीक। ऑनलाइन मोड में जमा करना है, उसके बाद PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड, PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं लगने वाली है, ठीक। और एप्लीकेशन फी वंस रिसीव कैन नॉट बी रिफंडेड, ये तो पता ही है आपको। एप्लीकेशन मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन द एडवर्टीजमेंट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आफ्टर जब आप सक्सेसफुली सबमिट कर लीजिएगा फॉर्म ऑनलाइन, तो उसका प्रिंट आउट करना है और PDF निकालना है A4 साइज पेपर पे, और आपको उस पर सिग्नेचर करना है, और फ्रंट फेसिंग रेस्टेंट कोई फ्रंट फेसिंग का रेसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, ठीक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं इसको देख लीजिए। हाई स्कूल का मार्कशीट विथ इट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, और वहीं बात करें PG अगर आपने किया तो उसकी मार्कशीट डिग्री होनी चाहिए आपने, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका हो चलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो होना चाहिए आपके पास, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इन केस द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ अफोर्सेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इंक्लूज विद द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समरीली रिजेक्टेड, मतलब आपने अगर जो ऑफलाइन नहीं सबमिट किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीचेक देयर डॉक्यूमेंट्स वेदर द सेम हैव बीन सेल्फ अटेस्टेड और बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किए हैं वही चाहिए यहाँ पे। कैंडिडेट्स मस्ट सुपरस्क्राइब ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द कवर द पोस्ट अप्लाई, मतलब वहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पर लिख दीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेंड द एप्लीकेशन, अब किस पोस्ट पे मतलब किस एड्रेस पे पोस्ट करना है ये भी सुन लीजिए। सिलेक्शन कमेटी सेक्शन नॉन टीचिंग रजिस्ट्रार ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 20/2002 उत्तर प्रदेश इंडिया, इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। वर्किंग कैंडिडेट्स शुड ओनली थ्रो प्रॉपर चैनल हु एंड आर रिक्वायर्ड इंक्लूड द एक्सपीरियंस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, ये तो सारी चीजें बाद में है। एप्लीकेशन फॉर्म ये है ये है ये है, और इंटरव्यू वगैरह होगा इसमें, ठीक है। एक चीज बता दूं आपको, बाकी 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 सारी चीजें यूनिवर्सिटी रिवर्स राइट, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताना पड़े। बाकी 55% ग्रेडिंग, हाँ, रेलेवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट ऑफ 55% where the grading system is followed by recognized university shall also be considered. Age relaxation का को लेके है, बाकी आप सारी चीजें important नहीं। It is assumed that candidate supply degree, बाकी वो सारी चीजें आपको भेजना है। तो ये था भैया आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी वैकेंसी थी उसको बता दिया मैंने, जो जरूरी चीज थी। फॉर्म भरो, पोस्ट कर दो, ठीक है, 17 दिसंबर के पहले पहुंच जाना चाहिए। बाकी जय हिंद जय भारत, ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक।